बोले। आवाज आ रही है, खाई ना क्या आवाज आ रही है, कोई डायन आ गई है पास में, कोई डायन, डायन तो कोई चुड़ैल है पास में, क्योंकि डायन तो जिंदा होती है। फिर से स्टार्ट हुई जो काफ़ी तेज थी, जैसे पास में कहीं है, बट वो मैंने मंत्रों से बांध रखा है, मेरे पास नहीं आएंगे, बस ये एक ठीक है। निशान भी है कुछ अजीब से, वही है। मंजू जी, क्या आप दाऊद इब्राहिम को जानती हैं? कौन सा दाऊद इब्राहिम? वो डॉन जिसने बहुत जो आतंकवादी है, मोस्ट वांटेड। कोई है? एक्सक्यूज मी सिमरन। हाँ सिमरन, क्या आप दाऊद इब्राहिम को जानती हैं, जो जिसने बम ब्लास्ट कराए थे इंडिया में? सुमित, आप दाऊद इब्राहिम को जानते हैं? हाँ सुमित, बस एक बात पूछना चाहूँगा, क्या दाऊद इब्राहिम, अभी एक खबर है कि दाऊद इब्राहिम मर चुका है, जो किसी ने जहर दिया, क्या वो आपकी दुनिया में है? हाय, मेरा नाम है ओम, और आज मैं जो करने वाला हूँ ना भाई, अभी तक किसी ने किया नहीं, क्योंकि भाई मेरे पास इतने सारे मेल आ रहे थे, इतने सारे भाई इंस्टाग्राम पे मैसेज आ गए, फेसबुक पे इतने सारे मैसेज आ गए भैया कि दाऊद सच में मर गया है या फिर ऐसी अफवाह फैलाई गई है। और कई लोग का तो कहना है कि ये न्यूज़ पाकिस्तान से बाहर नहीं निकले, इसलिए पाकिस्तान में यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक इसको कुछ देर के लिए बंद भी किया गया, और इस न्यूज़ को ना जो भी कोई डाल रहा है उसको हटा दे रहे हैं। भाई बहुत सारी बातें चल रही हैं। हुआ सीन ये है कि दाऊद को कह रहे हैं कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने जहर दे दिया, और वो हॉस्पिटल में भर्ती था कई दिनों से, और कह रहे हैं कि अभी उसको जहर शायद 15 को मिला था, अभी कल वो हॉस्पिटल से ही निकल लिया, मतलब वो मर गया, ऐसे कहा जा रहा है। बट इसकी ये खबर पाकिस्तान से बाहर ना जाए, इसलिए पाकिस्तान में कह रहे हैं कि भाई इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक, कई जो सोशल प्लेटफॉर्म है उसको डाउन कर दिया गया, और ये कोई भी न्यूज़ डाल रहा है तो वो हट जा रही है। तो भाई मेरे को ना लाइक भाई यही बस बोला भाई, आप ना पता करो कि क्या सच में वो मर गया या फिर ये अफवाह है। देखो पता करने का सिर्फ यही तरीका है कि मैं ना किसी डेवल को बुलाऊं और उससे पूछूं कि क्या वो सच में आपकी दुनिया में जा चुका है, और उसके लिए हमें जाना पड़ता है किसी हॉन्टेड प्लेस पे। तो मैं खड़ा हूं अभी एक हॉन्टेड रोड पे, जहां पे लोगों को अक्सर यहां पे और एक वाइट से कपड़ों में, जैसे वाइट सी साड़ी में एक औरत लोगों को दिखाई देती है। उस अगर शायद ये कनेक्ट हो गई तो हम इससे पूछ सकते हैं, क्योंकि कहते हैं देखो अभी हम लोग जिंदा हैं तो हम एक अलग दुनिया में हैं, मरने के बाद ना अलग दुनिया में लोग पहुंच जाते हैं, और वो बता भी देते हैं कि साथ में क्या दूसरा इंसान आ चुका है या नहीं आया है, ये सब बातें वहाँ पे पता हो जाती है। तो फिलहाल क्या कर रहे हैं गाइस, अभी हम डेवल को बुलाएंगे। डेवल को बुलाने के लिए क्या करना पड़ता है, ऐसा कुछ बनाना पड़ता है, कुछ मंत्र बोलने पड़ते हैं और कैंडल जलानी पड़ती है। आत्माओं से कनेक्ट करने के लिए सबसे मेन होता है कैंडल का जलाना, तो कैंडल वेंडल जलाएंगे। फिलहाल क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और बहुत लोग को मारा है उसने क्या बम ब्लास्ट लास्ट में, तो अभी क्या करेंगे, सच में पूछेंगे क्या सच में मर गया, क्या हम सारे लोग खुश हो सकते हैं या फिर सच में वो जिंदा है, देखते हैं जो भी डेवल हमें क्या बताता है, क्या यहाँ की जो भी जो यहाँ पे इस रोड पे वो लड़की घूमती है वो बताती है या फिर जो भी बताता है। फिलहाल हमें जलाते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं सब कुछ। हे बुरी आत्माओं, आओ मेरे पास और मुझे कुछ बताओ। भाई बुरी आत्माएं, आप कहीं भी मत बुलाना, और मैं कभी नहीं बोलूँगा किसी को कि ये सब आप ट्राई करें, क्योंकि ये बहुत रिस्की होता है, कभी भी ट्राई मत करना। जो बुरी आत्माएं होती हैं वो बहुत ख़राब होती हैं। हे जल जा यार, बहुत मुश्किल होने वाला है गाइस, क्योंकि मैं एक को जा रहा हूँ दूसरी बुझ जा रही है, बहुत मुश्किल होने वाला सच में। ये बड़ा मुश्किल हो यार, हवाएं चल रही हैं तो सब कुछ, फिर भी हम ट्राई करेंगे, मंत्रों का उच्चारण तो करेंगे, और मैं उस चीज़ को म्यूट रखूँगा, मैं बताना नहीं चाहूँगा कि वो मंत्र कौन से हैं, क्योंकि मुझे पता है इसमें से कई छोटे बच्चे हैं जो घर पर ट्राई करने बैठेंगे, तो मैं नहीं चाहता कुछ ऐसा हो। और ये जो अगरबत्ती है, मैं इसमें मैंने इत्र मारा हुआ है, और ये सुगंधित वाली है। अरे यार, सुगंधित जो अगरबत्तियाँ होती हैं, एक तो हम जैसे भगवान को ये यूज़ करते हैं, एक हम जो उसमें इत्र वितर कर देते हैं, कुछ चीज़ कर देते हैं, तो हम वो डेवल को, बुरी आत्मा को
बुलाने के लिए, उसको कुछ करने के लिए हम ये करते हैं। मुझे कुछ भी ऐसा इशारा करके बताए। कोई सियार, कोई कुत्ते, ऐसे कुछ भौंकने लग जाए अगर बुरी आत्मा मेरे पास कुछ पास में है, ये भी इशारा मेरे लिए काफ़ी होगा। कोई है तो ऐसा कर सकता है। किसी भी जानवर की आवाज़ें, क्या कोई है आसपास? क्या कोई है मुझसे बात करने के लिए? दुनिया आपको नहीं देख सकती, दुनिया आपसे बातें नहीं कर सकती, पर मैं आपसे बातें करने आया हूँ। क्या कोई है आसपास? किसी भी जानवर की आवाज़ है। उठा के ले तो मैं गाइस ये भी उठ लेके आ गया हूँ, सब कुछ आ गया है और मोमबत्तियाँ बुझ रही हैं। गाइस हाइना की आवाज़, हाइना की आवाज़ आ रही है। और हाइना को बोला जाता है ये चुड़ैल, चुड़ैल पे, चुड़ैल की सवारी है ये। मेरे पीछे कुत्ता बैठा है बट हाइना की आवाज़ आ रही है। गाइस मैंने बोला था कि यार कोई है तो वो कुछ जानवर की आवाज़ें करो, बट ये हाइना की आवाज़ आने लग गई। तो मुझे पता लग रहा है कि आसपास कोई है, कोई आत्मा जो मुझसे कनेक्ट होना चाह रही है। क्योंकि जो हाइना की आवाज़ थी जिस पे आप अगर बैठ बैठ के आप आए हो या कुछ भी, तो आप दोबारा कर सकते हो क्या? भी आवाज़ को दोबारा कर सकते हो? जो भी जिस जो आपका हाइना था जिस पे आप बैठ के बातें बातें कर रहे थे, क्या उसको दोबारा कर सकते हो? क्या आप उसको दोबारा कर सकते हो? अगर आप कर सकते हो मुझसे बातें करने में, मुझसे बात करना चाहते हो, तो एक बार अपनी हाइने की आवाज़ आप जिस आप बैठ के आए हो, कि हाइने की जो आवाज़ आ रही थी, एक बार उनको और संकेत दें, वो आवाज़ें करें, वो कुछ बोले। आवाज़ आ रही है, हाइने की आवाज़ आ रही है। कोई डायन आ गई है पास में, कोई डायन, डायन तो कोई चुड़ैल है पास में, क्योंकि डायन तो जिंदा होती हैं। कोई चुड़ैल पास में आ गई है। ये जो गोला बनाया मैंने और ये अगरबत्ती पकड़ी है इत्र वाली, ये ही ये जो सुगंध जा रही है ना हर तरफ, अचानक से जोर से हुई है हाइना की आवाज। इसको मैं खड़ी हो जाऊँ, खड़ी होने में बड़ा टास्क है उसके, तो क्योंकि सीमेंटेड रो। जो भी है पास में आइए, जो भी है पास में, मैं सिर्फ और सिर्फ से बातें करने आया हूँ। जो भी है पास में आइए। मेरे को ना सिर्फ शरीर में दर्द होने लग गया, जैसे सपनों के पास आंखों में ना आंसू से आने लग गए, कोई तो पास में आया है, कुछ अजीब सा हो रहा है। ये कैंडल नहीं जल पाई। Like and subscribe Horror Room channel. Guys, ये हाइना की आवाज फिर से स्टार्ट हुई है, फिर काफी तेज की, जैसे पास में कहीं है, बट वो मैंने मंत्रों से बांध रखा है मेरे पास नहीं आएंगे। बस ये एक ठीक है, दोबारा करता हूँ।
News like us is running horror in China. लगा जैसे पीछे कोई था भाई। ये देखो किसी की आवाज आ रही है। अब मुझे लग रहा कोई आत्मा कनेक्ट हो चुके है। अब मैं उससे पूछता हूँ कि दाऊद इब्राहिम जिंदा है या मरा है। देखो यार बहुत टाइम हो गया मुझे सब कुछ करते हुए, इसको मैं रखता हूँ और अब पूछने का टाइम आ गया है। अब क्या करने वाले हैं? मैं ना मेरे पास एक जुगाड़ है, जो भी इससे क्या होता है कि जो भी आत्मा पास में होती है ना वो इसके थ्रू कनेक्ट होके हमसे बात कर लेती है। तो इसको अभी स्टार्ट करते हैं और यहीं पे ही, और यहाँ पे ना जस्ट अभी ना ये देखो अब आधा आपको मीठा मीठा दिख रहा है, ये आधा आधा ना ये मिट गया पता नहीं कैसे अचानक से। अगर आपको एक चीज़ दिख रही हो ऐसा लग रहा है जीभ से ही चीज़ चाट रखी है। अब आस पास में कोई कुत्ता उत्ता तो है नहीं, ऐसा लग रहा है कोई डेविल पास में आया। और ये देखो ये निशान भी है कुछ अजीब से, कोई है जो मुझसे बातें कर सकता है। यस हाँ ठीक है। हाँ आपका नाम क्या है? जो ही पास में है मंजू। ओके मंजू जी आप वही हैं जो इस रोड पे भटकती है लोगों को दिखती हैं? पता नहीं यार। हाँ बट मेरे को ना इस तरफ कोई लगाया से कोई है। मंजू जी क्या आप दाऊद इब्राहिम को जानती हैं? कौन सा दाऊद इब्राहिम? वो डॉन जिसने बहुत जो आतंकवादी है मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है? नहीं। क्या किसी और से पूछ सकते हैं? क्या कोई और है जो आसपास मुझसे बातें कर सकते? मंजू जी से कोई लड़की कनेक्ट हुई मंजू नाम की, उसको नहीं पता। आप किसी और से बात करने की कोशिश करेंगे जिसको इस कह रहे हैं पता हो यार दाऊद के बारे में। मंजू को दाऊद के बारे में नहीं पता यार, शायद पहले की बात होगी, बहुत पुरानी सोल होगी जिसको नहीं पता होगा। कोई है? एक्सक्यूज़ मी ओह क्या नाम है आपका? जिसने प्यार से बोला एक्सक्यूज़ मी, जिसने प्यार से बोला एक्सक्यूज़ मी, क्या नाम है आपका? नीलम। नीलम कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ, क्या कोई है? जी ओके आप अपना नाम बता सकते हैं? अपना नाम बता सकते हैं? सिमरन। सिमरन सिमरन हाँ सिमरन क्या आप दाऊद इब्राहिम को जानती हैं जो जिसने बम ब्लास्ट कराए थे इंडिया में? नहीं। क्या कोई है यहाँ पे जो दाऊद इब्राहिम को जानता हो? नहीं सब मना कर रहे हैं यार। नो यार दाऊद इब्राहिम को नहीं जानते ये लोग। कोई नई सोल हो उससे बोलो क्या वो मुझसे बातें करे। क्या कोई दाऊद इब्राहिम को जानता है? हाँ आपका नाम क्या है? दोबारा बोले आपका नाम क्या है? आवाज़ क्लियर नहीं है। आपका नाम क्या है? सुमित। सुमित आप दाऊद इब्राहिम को जानते हैं? हाँ सुमित मैं बस एक बात पूछना चाहूँगा, क्या दाऊद इब्राहिम अभी एक खबर है कि दाऊद इब्राहिम मर चुका है जो किसी ने जहर दिया, क्या वो आपकी दुनिया में है? सुमित क्या वो आपके दुनिया में है? सुमित क्या दाऊद इब्राहिम आपके दुनिया में है? सुमित क्या आपको दाऊद इब्राहिम के बारे में पता है? हाँ और तो क्या दाऊद इब्राहिम आपकी दुनिया में है? सुमित क्या दाऊद इब्राहिम आपकी दुनिया में है? उसका इंतकाल हो चुका है, वो मर चुका है। सुमित अब की आवाज़ नहीं आ रही है। नहीं यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो देखने में ट्राई कर रहा हूँ बट ना जो सोल है ना वो खुद कंफ्यूज है, बाइक जो भी यहाँ पे आत्मा है जो हमें देख रही है बट हम उनको नहीं देख पा रहे, वो हमसे बातें करना चाह रही है। बट अगर मान लो कि किसी का दादा है, मतलब
भगवान ना करे किसी के दादा की डेथ हो जाती है और वो दिखने स्टार्ट हो जाते हैं और वो दिख रहे हैं रातों को इधर उधर कुछ कर रहे हैं, तो ना इंसान ना दादा से भी डरना स्टार्ट हो जाएगा। ये सच्चाई है यार, जो भी हमें दिख रहा है हमारे सामने है। तो अगर मैं अपनी अपनी एक सगे मतलब मेरे सगे मामा की मैं उनकी स्टोरी बताता हूँ। मेरे जो मामा का लड़का था वो नेवी में इंडियन, हाँ नेवी में भर्ती होने थी उसकी, तो उसकी ट्रेनिंग चल रही थी। तो ट्रेनिंग के दौरान ना वो स्विमिंग पूल में कुल ऊपर से उसने जंप किया और सर के बगल मतलब कुछ पता नहीं कैसे वो सर के बगल गिरा एंड उसकी मौत हो गई। कहते कि उसके बाद उसकी रूह ना मतलब 13 दिन जब तक 13 नहीं हुई थी वो घर के बाहर आती थी और वो रोती थी, मामा एंड मामी को दिखती भी थी। बट मामा मामी ने पता क्या पंडित को बुला के ना घर को बंधवाया और जब उसकी रूह को पता लग गया मामा के लड़के को तो उसने वहाँ पर आना बंद कर दिया। तो गाइस फिलहाल जो क्या होता है, जो जिंदा होते हैं उनसे हम बातें कर लेते हैं, फिर मरने के बाद कोई किसी से रिश्ता नहीं रखना चाहता क्योंकि इंसान डर जाता है। फिलहाल यार देखो यहाँ की जो रूह है ना वो खुद कंफ्यूज है, वो खुद समझ नहीं पा रही है। अब यार आप लोग बोलोगे तो मैं किसी ना शमशान घाट के आसपास जाके ट्राई कर सकते हैं, कोई नई सोल हो वो कनेक्ट हो। अब इस रूट रोड यार देखो ये बहुत पुराना रोड है, बहुत पुरानी औरत है जिसको गांव के दबंगों ने ला कर रेप करके मार दिया था, उसकी आत्मा भटकती है तो वो समझ नहीं पा रही। आसपास की जो सोल है वो भी नहीं समझ पा रही। एक सुमित नाम का लड़का था वो खुद कन्फ्यूज़ हो गया, वो नहीं बता पाया। तो यार दाऊद मरा है या नहीं मरा ये अभी तक कन्फर्म नहीं है, बट मर जाएगा तो हम सभी लोग के लिए गुड न्यूज़ है। बट अभी देखते हैं, दोबारा ट्राई करेंगे यार अगर आप लोग बोलोगे तो कमेंट में। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय गाइस एंड इस ओम व्लॉग्स को फॉलो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड इस वीडियो को शेयर कर देना अगर और भी ऐसी हॉन्टेड ड्रावनी वीडियो देखना चाहते हो तो। फिलहाल मिलते हैं में, तब तक के लिए बाय एंड कमेंट कर देना बनानी है कि नहीं बनानी है, इसका और ट्राई करें या नहीं करें, आप जो बोलोगे वही करेंगे यार। बाय गाइस।